हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और विषय है गणित। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, आप जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है। हमने पिछली वर्कशीट में ये सब किया है, तो आज हम देखते हैं कि आज क्या लिखा है। आओ आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। हमने एक चर की जो रैखिक समीकरण थी पिछली वीडियोज़ में करी है। अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को ax, by और c इक्वल 0 के मानक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। यहां पे जो दी गई है a, b, c, ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं a, b एंड c। और जो x यहाँ पे a, b, c वास्तविक संख्याएं, जहाँ पे a और b दोनों शून्य नहीं हो सकती। अगर एक हो सकती है शून्य, लेकिन दोनों का मान क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। अब हम x, y जो यहाँ पे दिया गया है, x, y के बारे में बात करते हैं। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में जानते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल का अर्थ है x और y के मानों का युग्म, जिसे दिए गए समीकरण में रखने पे बायां पक्ष व दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं। बेटा, अभी जब इसके मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल है 12 के। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों के मान, जो ये x और y के मान, हमें ऐसे रखने हैं जिससे कि क्या हो जाए, इसका आंसर क्या आ जाए, 12। ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों का आंसर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अभी के लिए यही समझो कि यहाँ पे क्या करना है, हमें x की और y की वैल्यू क्या रखनी है, ऐसी रखनी है जिससे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही तरफ क्या आ जाएगा, 12 आ जाना चाहिए। समझ में आया, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा, इसके अंदर क्या करना चाहिए। तो देखिए, आओ इसे एक उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल है 12 के। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण में x इक्वल है 3 के और y इक्वल है 2 के। तो हम क्या करते हैं, इसका एक हल है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू लिखी जाती है, अपना एक वैल्यू मानी जाती है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमने क्या मान ली, 3 मान ली, और y की वैल्यू क्या मान ली, 2 मान ली। जब अब ये वैल्यू मान ली, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे स्टेप करते हैं, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हमने क्या माना, x इक्वल 3 और y इक्वल 2 माना, तो अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो कैसे, अब देखो 2x है तो मतलब क्या होगा, x की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 3, तो 2 × 3 प्लस y की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, 2, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2। समझ में आया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 × 6 और 3 × 6, ठीक है, तो कितना हो गया, दोनों यहाँ पे 12 आ गया, और बायां और दायां पक्ष दोनों में क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया, 12 आ गया दोनों में। तो ये इसका एक हल है। समझ में आई आप लोगों को बात। अब हम इसे आगे देखते हैं कि ये सिर्फ एक ही वैल्यू रखने से नहीं आएगा, हम ये वाला मान और भी वैल्यू निकालने से रख सकते हैं। तो देखिए कैसे कह रहा है वो, एक तो इसकी वैल्यू अगर हमने x और ये y रख दी तब आया। अब सेकंड देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इस हल को 3 और 2 के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ जी, लिखा जा सकता है। x की वैल्यू क्या है, 3 है, और y की वैल्यू क्या है, 2, जिसमें पहले x और बाद में y का मान लिखा जाता है। आइए हम और भी वैल्यू रख के, यहाँ पे x, y की वैल्यू और भी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या, अगर x की वैल्यू को हम 0 रखते हैं और y की वैल्यू को 4 रखते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं, तो भी क्या दोनों तरफ 12 दिया गया है, यहाँ पे दोनों तरफ 12 आ सकता है। तो आइए देखते हैं, जब अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते थे, 0 रख देते हैं, तो फर्स्ट में क्या होगा, 2 × 0 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 4, तो 3 × 4 ही। समझ में आया आपको, 3 × 4 हो गया ना, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, y की वैल्यू रख दिया, y यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 4। तो आइए देखिए कितना हुआ, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, तो यहाँ पे भी 12 आ रही है, यहाँ पे भी ये वैल्यू भी हो सकती है।
समझ में आया, ये वैल्यू भी हो सकती है। तो दोनों पक्ष दायां और बायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो एक तो आंसर ये आया था हमारे पास में 3 और 2, दूसरा क्या आया 0 और 4। क्या इसके अलावा और भी कोई वैल्यू हो सकती है? तो आइए देखते हैं और भी क्या वैल्यू हो सकती है। अगर एक्स का मान 1 रखें और वाई का मान हम 4 रखते हैं, तो आइए हम क्या करते हैं, वापस से वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का मान कितना रखना है, 1 हमें यहाँ पे, और वाई का मान यहाँ पे कितना रखना है हमें, 4। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, देखिए एक्स का मान अगर हम 1 रखते हैं, एक्स का मान अगर हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 कितना हुआ, 2 हो गया, और 3 गुना 4 यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 12 और 2 को जोड़ा, जब क्या किया हमने 12 और 2 को जोड़ा, तो 14 हो गया और ये 12 हो गया। तो एक जो, अब ये देखो दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, यहाँ पे 12 है यहाँ पे 14 है, तो दोनों पक्ष क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये लिख देंगे कि 1 और 4 इस समीकरण का हल नहीं है। 1 और 4 क्या है, इस समीकरण का हल नहीं है, नहीं है ना बेटा, देखो दोनों बराबर नहीं आए। तो वही वैल्यू लिखनी है जहाँ पे दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो समझ में आया आपको, अब हम इसका आगे देखते हैं, आगे इसने क्या कहा है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले स्टूडेंट प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दिए गए समीकरण में x का मान रखकर y का मान भी प्राप्त कर सकते हैं, हम ये वाली वैल्यू भी कर सकते हैं कि x का मान निकाल सकते हैं, x का मान हम कुछ रख देते हैं y का मान निकाल देंगे, या y का मान कुछ रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमने पिछले वीडियो में किया है यहाँ पे वही मेथड बताया गया है। तो इसमें देखो सिंपल, जो पिछले वीडियो में बताया गया था 2x + 3y = 12 पे, तो x की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे 2, तब 2 रखिए तो 2 गुना 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3y, ये समझ में आ रहा है आपको, हमने क्या किया 2 गुना 2 + 3y = किसके हो गया 12 के, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 3y = क्या हो जाएगा 12 के। अब ये क्या होगा, ये जो 4 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3y = किसके हो जाएगा 12 में से 4 गए 8, ठीक है। अब ये देखो अब क्या है, अब क्या है 3 गुना y = 8 के, तब ये y यहाँ पे जाके फिर क्या हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा 8/3, समझ में आया। x की वैल्यू हमने क्या मानी थी यहाँ पे, x की वैल्यू 2 मानी थी और y की वैल्यू क्या आ गई 8/3, तो ये वाला भी इसका हल हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कि क्या दिया गया है इसके क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 4 के 4 हल ज्ञात कीजिए, जो अभी हमने ऊपर हल किए थे ना वैसे ही इसके 4 हल निकालने हैं। तो आइए स्टूडेंट हम करते हैं इसे, तो आइए स्टूडेंट इसे करते हैं। क्वेश्चन था 2x + y = 7 के, हमने क्या करना है 4 वैल्यूज़ निकालनी है इसके, x की और y की अलग अलग वैल्यू रखते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें, अगर हम x की वैल्यू रख दें 0, ठीक है, और y की वैल्यू क्या रख देते हैं 7, तो देखिए क्या होगा, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, 2 गुना x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना है बेटा 0, तो 2 गुना 0 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 0 + 7 = क्या हो जाएगा 7, समझ में आया आप लोगों को, एक बार फिर करवा दूँ, फिर से हटा दूँगी मैं, या तो दोबारा देखो, दोबारा देख लेते हैं, 2x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 7, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, दोनों पक्षों में क्या आ रहा है 7 की वैल्यू, दोनों पक्षों में 7 बराबर आ रहा है, तो क्या ये एक हल हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल ये एक हल हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमें 4 निकालने हैं ना, तो अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा देखो दोबारा क्या था क्वेश्चन, फिर से लिखना पड़ेगा हमें 2x + y = 7 के। तो अब दूसरी वैल्यू देखो क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को अगर 1 मान लेते हैं और y की वैल्यू को हम 5 मान लेते हैं, ये हम खुद ही, हमें ये वैल्यू खुद ही लेनी होगी बेटा, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा आपको दोनों दाएं और बायां पक्ष देकर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लगा दो। अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 2x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब देखो हम करते हैं सॉल्व, तो कितना होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 5 = क्या हो गया 7, तो हमारा दोनों दायां और बायां पक्ष आ रहा है बराबर, तो ये वाली वैल्यू भी क्या है सही मानी जाएगी, 1 और 5 भी इसकी वैल्यू आ सकती है, तो दूसरा हल हमारा ये हो जाएगा बच्चे। अब हम तीसरा हल देखते हैं,
तीसरा क्वेश्चन फिर से एक बार लिखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल है 7k। तो दूसरे में देखो क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू को हम 2 मान ले और y की वैल्यू को हम 3 मान ले, तो देखिए क्या इसका हल निकलता है हमारे पास में, तो 2 गुना 2, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू और y कितना है 3, तो दायां पक्ष कितना था 7, तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 प्लस 3 इक्वल कितना हो गया 7। तो हमारा ये वाला भी आंसर बराबर आ रहा है, देखो साथ साथ दोनों दायां बायां पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो क्या एक ये वैल्यू भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल एक ये वैल्यू भी हो सकती है। अब हमें 4 मान निकालने थे, तो अब हम निकालते हैं चौथा मान। क्वेश्चन लिखते हैं वापस, 2x प्लस वाई इक्वल है 7k। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं 3, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी लेते हैं 1, ठीक है, तो वापस वही करते हैं, 2 गुना x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू हमने क्या ली 1, इक्वल है 7k। तो यहाँ पे कितना आया 6, 2 + 6 प्लस 1 इक्वल है 7k। तो यहाँ पे भी देखो बेटा दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है ना, दायां और बायां पक्ष बराबर है, तो एक इसका ये भी हल हो सकता है। तो हमें 4 हल बताने थे, तो क्या आंसर निकलेगा बेटा इसका, यह पूरा करके दिखाएंगे बेटा कॉपी में, ठीक है। तो देखो क्या हल निकला, अगर x की वैल्यू क्या रखी हमने, हम ऐसे लिख देते ब्रैकेट में ना, x की वैल्यू कितनी थी 0 और y की वैल्यू कितनी थी 7। दूसरा क्या था देखो, दूसरा क्या था, अगर x की वैल्यू रखी 1 और y की वैल्यू रखी 5। तीसरा क्या था, x की वैल्यू रखी हमने 2 और y की वैल्यू रखी 3, सॉरी, और y की वैल्यू रखी हमने 3। और चौथा क्या था, अगर x की वैल्यू रखते हैं 3 और y की वैल्यू रखते हैं 1, तो ये इसके 4 आंसर हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको कर लीजिए और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। निम्नलिखित हलों में से कौन से समीकरण x माइनस 2y इक्वल 7 के हल हैं? तो हमें देखना है कि कौन कौन से इसके हल हैं। तो आइए हम सीधा यहीं पर सॉल्व कर देते हैं ये क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है यहाँ पर, आइए ज़रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम यहाँ सीधा वैल्यू ही पुट करते जाएंगे बेटा। पहला देखो क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y इक्वल है 4k। तो आइए करके देखते हैं, अगर x की जगह हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया और y की जगह क्या लिख दिया 2, हम पहला ये वाला करके देख रहे हैं देखो, ठीक है, तो क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन बेटा देखो यहाँ पे माइनस 4 आएगा क्योंकि ये माइनस का मार्कर है, तो और ये क्या है प्लस का, तो ये इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं कि नेक्स्ट से आ रहा है, समझ में आया आपको ये, अब हम नेक्स्ट करते हैं देखो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आई थी। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, ये लेते हैं हम 2 और x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू क्या होगी 0, ये तो नहीं होगा, लेकिन चलो करके दिखाते हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये लिख देते हैं क्वेश्चन, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इक्वल आएगा 4, तो ये कितना हुआ 2, ये 0 हो गया, इक्वल है 4k, तो ये भी इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं स्टूडेंट, अब इसको नोट कर लीजिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे सामने अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों नहीं आई थी, अब हम ये करते हैं थर्ड वाला। इसमें देखिए x की वैल्यू कितनी है 4, मैंने सीधा ही लिख दिया, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो हमने क्या किया 2 × 0 = 4, ठीक है। अब देखते हैं कितना होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, −0 = 4, तो अब क्या आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, हमें दोनों पक्ष ही बराबर चाहिए थे, तो ये इसकी वैल्यू बन रही है, ये इसका हल है। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं कि क्या नेक्स्ट इसका हल है या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट इसका हल है या नहीं है। तो अभी तक ये नहीं आए थे, ये इसका हल आया था, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 2y इक्वल है बेटा 4k। तो आइए x और y दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो हम करने की कोशिश करते हैं इसको, कितना आया 4, तो 1 − 2 = 4k, तो यहाँ पे क्या बचा −1 = 4k, तो ये भी क्या है इक्वल नहीं है, तो ये भी इसकी वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या हुई, ये नंबर थर्ड पे, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।